now let's see the contracts one by one forward contracts there are two persons aslam and bashir the current price of gold say on 1st january 2021 10000 rupee per gram aslam expect that gold will प्राइस विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ अभी देखें उसके पास पैसे भी नहीं है लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं आज खरीद लूं कुछ नेक्स्ट डिलीवरी जो है वो लेटर ऑन होगी ऑन द अदर हैंड बशीर एक्सपेक्ट द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड बोथ पार्टीज डू नॉट गोल्ड गोल्ड किसी के पास भी नहीं है लेकिन वो एग्री कर लेते हैं एक खरीदार है और एक बेचने वाला है अच्छा एक प्राइस सेटल हो जाती है उसने कहा टेन थाउजेंड रुपीज़ पर ग्राम दे बोथ एग्री टू कॉन्ट्रैक्ट इन विच असलम इज़ विलिंग टू बाई एंड बशीर इज़ विलिंग टू सेल ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हाउ आर द प्राइस इज डिस टेन थाउजेंड अ ग्राम अब देखिए प्राइस जो है ज़रूरी नहीं है कि इन तीन महीनों में सेम रहे गोल्ड की आप रोज़ देखें हर रोज इसकी प्राइस चेंज होती है लेकिन आप एग्री कर गए दोनों कि हमने इस प्राइस पर गोल्ड जो है आपने ख़रीदना है और बेचना है अब कितना खरीदना बेचना है ये तो बात की बात है लेकिन हम ये ज़रूर है क्वांटिटी भी फिक्स कर लेते हैं लेकिन मैं यहाँ सिर्फ प्राइस ही की बात कर रहा हूँ कितना ख़रीदना है फ़र्ज़ करें आपने हंड्रेड ग्राम खरीदना है या टू थाउजेंड ग्राम ख़रीदना है ये बात की बात है लेकिन पहले क्लियर करने बाद कि आपने एक प्राइस तय कर ली पर ग्राम के हिसाब से और आप उस हिसाब से आप खरीद खरीदेंगे या बेचेंगे इफ द गोल्ड प्राइस इंक्रीजिज टू ट्वेल्व थाउजेंड अब देखें असलम ने दस हजार पर ग्राम के हिसाब से खरीदना है अगर प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरी पार्टी को उस नई प्राइस पर ख़रीद कर आपको दस हज़ार पर ही देना पड़ेगा तो टेक्निकली आपको पर ग्राम दो हजार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा लेकिन नुकसान किसका होगा जो आपको खरीद कर दिएगा तो एक पार्टी अगर विन कर रही है तो दूसरी पार्टी जो है वो लूज भी करेगी इसमें ये जरूरी है कि अगर किसी को गेन हो रहा है तो किसी को लॉस भी हो रहा होगा एंड बशीर विल लूज टू थाउजेंड देर विल बी नो परचेज और सेल ऑफ गोल्ड एज सच सिंपली बशीर क्या करेगा कि आपको दो हजार रुपये पर ग्राम के हिसाब से दे देगा जितने भी ग्राम आपने सौदा तय किया तो इसमें देखें Uh, नुकसान हो गया है किसको जो बेचने वाला है ख़रीदने वाले को नहीं अच्छा इन केस ऑफ गोल्ड डिक्रीजिज़ टू नाइन थाउजेंड पर ग्राम इन दैट केस असलम विल सेल टेन थाउजेंड रुपीज़ एंड बशीर विल गेट नाइन थाउजेंड तो एक हज़ार का जो है आपको नुकसान हो जाएगा असलम को नुकसान हो जाएगा अब इसमें दो क्वांटिटी जैसे मैंने कहा ना मैंने मेंशन नहीं की है तो अगर फर्ज़ करें दो हज़ार दो हज़ार ग्राम है तो आप मल्टीप्लाई कर लें पर ग्राम में जो प्राइस में चेंज आया है तो कितनी अमाउंट से एक लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी गैमलिंग है नॉर्मली इसको हम कहते हैं गैमलिंग ही कि आपके पास है ही कुछ नहीं लेकिन आप दोनों मिल के एक गेम करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे फ़ायदा हो जाए दूसरा कहता है ठीक है प्राइस कम हो जाएगी तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा तो ये जो सिस्टम है यानी हावर्ड का नॉर्मली ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी है प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम कि फर्ज कॉटन का सीज़न है ना तो हम एडवांस में तय कर लेते हैं कि कितनी बेल्स हमने ख़रीदनी और क्या प्राइस हो अब ऑबियसली वो एक बेल जो है तकरीबन पचास साठ हज़ार रुपये की भी फर्ज करें होती है और आपने टू थाउजेंड बेल ख़रीदनी है तो कितनी अमाउंट बन जाती है अब ख़रीदने वाला और बेचने वाला अगर प्राइस कम हो रही है तो बेचने वाले को फ़ायदा होगा क्योंकि उसने तो एक सेंटर प्राइस पर ही बेचना है लेकिन अगर प्राइस बढ़ रही है तो खरीदने वाले को फ़ायदा होगा क्योंकि उसको सस्ती मिलेगी अब ये जो डिफरेंस है प्राइसिंग में इससे लोगों को फ़ायदा या नुकसान होता है लेकिन दोनों पार्टियाँ देखें वी हैव टू तो बी वेरी केयरफुल कि जी हमने अगर सौदा करना है तो कैसे करना है कब करना है और कितना पीरियड इन्वॉल्व है नॉर्मली ये तीन महीने से ज़्यादा का नहीं होता उसकी रीज़न ये है कि जितना लंबा पीरियड होगा उसमें एक्सपेक्टेशन जो है या उसमें जो कह लें आप प्रडिक्शन जो है वो ठीक नहीं रहती इसलिए तीन महीने के पीरियड के अंदर अंदर ही ये सौदा जो है हम तय कर लेते हैं और ये सिर्फ मैंने कॉटन की बात नहीं की है तमाम जगहों पर ये चल रहा है कि जी आप देखें ये जूस फैक्ट्रीज़ वाले जो क्या करते हैं यानी फलों के सीज़न में वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जी हमने आपसे इतने टन खरीदना है और इस प्राइस पर ख़रीदना है और मार्केट में प्राइस जो भी होगी आपको उसी प्राइस पर देना पड़ेगा जो तय है बढ़ गई है मार्केट प्राइस में तो खरीदार को फ़ायदा है क्योंकि उसको कम प्राइस में खरीदना पड़ रहा है और अगर कम हो गई तो बेचने वाले को नुकसान होगा क्योंकि मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिल सकती है तो ये जो सिस्टम है फॉरवर्ड में प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि एक दूसरी पार्टी भाग सकती है यानी आप फोर्स नहीं कर सकते अनलेस यू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट है कोई लीगली आपको फोर्स नहीं किया जा हालांकि राइटिंग में एग्रीमेंट है तो अकॉर्डिंगली आप जाएं फिर कोर्ट में फाइट करें अगर कोई पार्टी भागती है अपने कॉन्ट्रैक्ट से अदरवाइज इसमें नुकसान का भी फायदा फ़ायदा तो है एक पार्टी को लेकिन दूसरी पार्टी को नुकसान भी है इसलिए इसमें नॉर्मली कन्फ्लिक्ट हो जाता है और कन्फ्लिक्ट में फिर नुकसान दोनों का ही होता है क्योंकि लॉ में जाओगे कोर्ट में जाओगे तो प्रॉब्लम्स होती हैं अच्छा अब इसमें देखें ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फॉर फ्यूचर बट इज सेल रेट हैज़ बीन सेटल्ड टू प्रेजेंट डे आप बताएं तीन महीने के बाद क्या प्राइस होगी यू नेवर नो लेकिन हम पहले से तय कर लेते हैं कि तीन महीने के बाद आपने इतनी अमाउंट की चीज़ें हमें बेचनी है इस प्राइस अब प्राइस कम ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली एक को नुकसान हो रहा होगा तो दूसरे को फ़ायदा हो रहा होगा तो ये एक फॉवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक इशू है इसमें बाद में डिस्कस करेंगे कि फ़र्क क्या है फॉरवर्ड में और फ्यूचर में लेकिन वक्ती तौर पर आप देखें कि फॉरवर्ड में क्या है कि दो पार्टियाँ हैं और दोनों म्यूचुअली एग्री कर लेती हैं कि किस प्राइस पर क्या चीज़ कितनी बेचनी है और कब बेचनी है यानी टाइम प्राइस फिक्स क्वांटिटी टाइम प्राइस सारी चीज़ें फ़िक्स होती हैं अब इसमें चांस है कि वो एक दूसरे को अकोमोडेट ना करें भाग जाएँ तो भागने से मुराद है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर ना करें तो फिर वह आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप कोर्ट में जाएं और डिफेंड करें अपने आप को Thank you very much.